शिमला जिला के सराहन में आयोजित होने वाला जिला स्तरीय दशहरा मेला इस बार औपचारिकताओं में समेटा जाएगा। नवरात्रों की समाप्ति के साथ ही आरंभ होने वाले पारंपरिक एवं ऐतिहासिक सराहन दशहरा मेले की रस्म रघुनाथ की पालकी और क्षेत्र के तीन प्रमुख देवताओं की छड़ी यात्रा से आरंभ होगी। रघुनाथ की पालकी को राजमहल के समीप तक ले जाकर रस्म अदायगी होगी। अधिक भीड़ जुटने से कोरोना महामारी फैलने की संभावनाओं को देखते हुए सभी रस्म औपचारिकताओं में पूर्ण की जाएंगी। इसके अलावा नवरात्रों के दौरान सराहन भीमा काली मंदिर में भीड़ न जुटे, इसे ध्यान में रखते हुए टेम्पल ट्रस्ट की ओर से माँ की आरती का लाइव प्रसारण यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि लोग घर बैठे भीमा काली के दर्शन के साथ आरती में हिस्सा ले सकें। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जिला स्तरीय इस दशहरा उत्सव को मनाने के लिए आसपास के दर्शनों देवी देवता सराहन पहुंचते थे और रघुनाथ के रथ को देवी देवताओं की उपस्थिति में राज दरबार के समीप तक ले जाई जाती थी। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है। इस बार महामारी के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इस मेले को औपचारिक रूप से मनाने का निर्णय लिया है। विधिवत शुभारंभ अवसर पर रघुनाथ की पालकी यात्रा, जिसमें 10 लोग शामिल होंगे, पालकी के साथ साथ तीन क्षेत्र के तीन प्रमुख देवताओं की छड़ी लगाई जाएगी। हर देवते की छड़ी के साथ पांच पांच लोग शामिल होंगे। इस दौरान ना तो दुकानें सजी और ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में अन्य प्रमुख गतिविधियां होंगी। केवल दशहरा की मान्यताओं को, परंपराओं को जीवित रखते हुए रस्म अदा की जाएगी। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि नवरात्रों के दौरान लोगों की सुविधा के लिए भीमा काली माता मंदिर से आरती का लाइव प्रसारण यूट्यूब फेसबुक में दिखाया जा रहा है, ताकि मंदिर में लोगों की भीड़ न जुटे। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय दशहरा उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार सिर्फ पारंपरिक रीति रिवाज की रस्म अदायगी होगी। सभी लोगों से भी अनुरोध किया है कि दशहरा उत्सव पूर्व की तर्ज पर नहीं मनाया जाएगा। रखी है और एक सेग्रीगेटेड मैनर में हम लोगों को अंदर भेज रहे हैं, और लोगों से हमने अनुरोध भी किया है कि बेवजह रेलिंग को, हैंडल को, इधर उधर चीज़ों को ना छुएं, और जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश हैं, जैसे कि मूर्ति को टच नहीं कर सकते हैं या दूसरी वस्तु को टच नहीं कर सकते हैं, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है और लोग इसमें हमारा काफ़ी भरपूर सहयोग दे रहे हैं। तो क्या आरती उरती भी हो रही है आपके ऑनलाइन किस तरह जो भक्तों के? हाँ, हमने जो भीमा काली जी ट्रस्ट है, इसकी जो हमारी वेबसाइट है वो हमने तैयार कर ली है, और उसी वेबसाइट के माध्यम से यूट्यूब से लिंक करके हम लाइव आरती भी आज सुबह से हमने ये शुरू कर ली है। मंदिर पुजारी ने बताया कि इस बार समस्या है कि दशहरा कैसे मनाया जाए, पुरानी रस्म न टूटे, ये भी ध्यान रखना है। प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार ही दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। वैसे सामान्य तौर पर देवी देवताओं के साथ भीड़ काफी जुट जाती थी। रामी गांव से पिताजी थे, उन्होंने 50 साल माता रानी की सेवा की। अभी दो तीन तीसरा साल 10 फरवरी को तीसरा साल होगा उनको पूरा होके। तो हमारे दादाजी भी रहे यहाँ पे। ये जो यहाँ पे सुरंग है, ये हमारे घर में निकलती है रामी गांव में, क्योंकि यहाँ पे जो ऐतिहासिक मेला है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वो 4 दिन चलता है दशहरा। तो अभी हमारे को इस को मनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यात्री कोई नहीं है, नहीं आ रहे हैं कोरोना की वजह से। तो रघुनाथ जी की जब पालकी निकलती है, 3 दिन वहाँ ठहरेगी, 4 दिन वापसी होगी जी। तो इस बारी कैसे करोगे? अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे। रमन कुमार ने बताया कि दशहरा सराहन का प्रसिद्ध मेला है, लेकिन इस बार इसे न मनाने का सरकार की ओर से निर्देश है। वैसे मेले की शुरुआत रघुनाथ की रथ यात्रा से होती है और रथ यात्रा वापसी से समापन, लेकिन इस बार देवताओं की छड़ी के साथ ही पूजा करके इस मेले को मनाया जाएगा। में जो कि अब शून्य के बराबर है, हालांकि मंदिर खुल चुके हैं लेकिन शर्तें अभी भी चल रही हैं। तो दशहरा उत्सव किस तरह मनाया जाएगा यहाँ? दशहरा उत्सव इस बार, दशहरा मेला भी यहाँ का प्रसिद्ध मेलों में से एक है, लेकिन इस बार भीड़ को एकत्रित ना करें, ऐसे सरकार के दिशा निर्देश हैं। उसके चलते जो छोटी परंपरा के अनुसार छड़ी के देवताओं की छड़ी के साथ ही इस बार दशहरा मेला मनाया जाएगा, जबकि पूरा दशहरा मेला जैसे सजता था वो उस तरह से इस बार नहीं रहेगा सर।
तो उसमें मेन क्या रहता था, जैसे रथ भी खींचे? इसमें रघुनाथ जी की रथ यात्रा से यह मेला शुरू होता था सर, और चार दिन के बाद रथ यात्रा की वापसी के साथ यह मेला जो है इसका बंद होता था मेला। लेकिन इस बार जो है इसको बड़े सूक्ष्म रूप से सिर्फ परंपरा निभाकर ही इस मेले को जो बनाएंगे।